हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। देखिए, जैसे कि हम लोग करंट अफेयर्स की, है ना, मंथली करंट अफेयर्स की हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें मैं आप लोगों को टॉप 100 करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ सभी मंथ के। अभी हम लोग कर रहे हैं किसके, अभी हम लोग कर रहे हैं अगस्त मंथ के। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट करवाया था, अब मैं आपको पार्ट सेकेंड करवा रहा हूँ। क्लियर हो गया? चलो, तो देखिएगा, यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे, और अब हम लोगों को स्टार्ट करना है यहाँ से 11th क्वेश्चन से। क्लियर है सभी लोगों को, है ना? तो उसके पहले, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा, और अगर एक क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। क्लियर? चलो, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा, क्या है कि विच स्टेट प्लान टू डेवलप इंडिया फर्स्ट स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर। किस राज्य ने भारत का पहला हिम तेंदुआ, है ना, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है? तो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है सर? उत्तराखंड। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो जो फर्स्ट फर्स्ट स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाने का जिसने प्लान किया है वो कौन सा स्टेट है सर? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से रिलेटेड हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के सीएम कौन है। कौन है सर सीएम? तो ये है त्रिवेंद्र, है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, तब आपका आंसर क्या होगा? बेबी रानी मौर्य, है ना, बेबी रानी मौर्य यहाँ के कौन है गवर्नर। चलो, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, उत्तराखंड का कैपिटल क्या है। क्लियर? ये आपको कहाँ पर बताना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्लियर है सभी लोगों को? मैं जो जो आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके बैंक, रेलवे और एसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगे तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 90% करेंट अफेयर इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा। अब तो मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि जितना मैं आपको करा रहा हूँ उसमें से 90% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए कि जॉन ह्यूम हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020, है ना, 2020, इज द नोबल लॉरिएट इन विच कैटेगरी। जॉन ह्यूम, जिनका अगस्त जो 2020 में निधन हो गया, वह किस श्रेणी के नोबल पुरस्कार विजेता है? तो वो है सर किसके, पीस, है ना, पीस नोबल प्राइस के। किसके हैं? पीस नोबल प्राइस के। ये इन्हें कब दिया गया था? तो ये इन्हें दिया गया था 1998 में नोबल पीस प्राइज दिया गया था जॉन ह्यूम को। क्लियर? इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो, अगर मैं आपको नोबल पुरस्कार से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, है ना, नोबल प्राइज से रिलेटेड। देखो, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखता हूँ 1 2 3 करके, और ये सभी जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ये खुद ही में एक ना एक क्वेश्चन बन के एग्जाम में आते हैं। देखो, टोटल नोबल प्राइज, जो नोबल प्राइज हैं वो कितने कैटेगरीज में दिया जाता है? 6 कैटेगरी में दिया जाता है। क्लियर? नोबल प्राइज का जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट वो कब हुआ था? वो हुआ था 1895। क्लियर? नोबल प्राइज जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, ये जो अल्फ्रेड नोबेल है ये केमिस्ट भी हैं, इंजीनियर हैं। क्लियर हो गया? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्लियर? अच्छा, तीसरा, ये जो नोबेल प्राइज है ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। एस्टेब्लिशमेंट है 1895, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल वही हैं, अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि डायनामाइट की खोज किसने करी है, हु डिस्कवर्ड द डायनामाइट, तो आपका आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड नोबेल। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कि
जो सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया कब गया था, तो 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। उस टाइम टोटल 5 कैटेगरी में दिया जाता था, क्लियर हो गया सभी लोगों को, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। उस टाइम टोटल 5 कैटेगरी में दिया जाता था आपका, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, पीस और एक और क्या है, लिटरेचर, क्लियर। फिर उसके बाद 1969 में एक सिक्स्थ कैटेगरी भी क्या हुई यहाँ पर, ऐड की गई, जो कि क्या है, इकोनॉमिक्स, जो कि क्या है, इकोनॉमिक्स की, क्लियर। तो ये हो गए टोटल 6 कैटेगरी। अच्छा एक चीज़ और, कि ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, ये 5 जो है ये कहाँ पर दिया जाता है, ये दिया जाता है स्वीडन में, कहाँ पर दिया जाता है, स्वीडन में। और ये जो पीस है, ये जो पीस है, ये कहाँ पर दिया जाता है, नॉर्वे में, क्लियर। और हर साल नोबेल प्राइज़ जो है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है, कब दिया जाता है, 10 दिसंबर, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, 10 दिसंबर को दिया जाता है हर साल नोबेल प्राइज़, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्लियर है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड्स द कमिटी फॉर्म्ड बाय आरबीआई टू सेट अप अ न्यू मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस्ड असेस्ड, कमिटी विल ऑल्सो इवेल्युएट रिजोल्यूशन प्लान्स वेयर डेब्ट इज मोर देन ₹1500 करोड़। तो ये कौन हेड है इस कमेटी के, तो इस कमेटी के हेड है सर केवी कामत। अब ये केवी कामत कौन है, तो केवी कामत जो है वो पहले चेयरमैन रह चुके हैं किसके, इन्फोसिस लिमिटेड के, है ना, इन्फोसिस लिमिटेड के चेयरमैन रह चुके हैं। और ये फार्मर क्या थे, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक के चीफ थे, है ना, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के चीफ थे, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स, ऐसा लिख लो, ब्रिक्स के, है ना, ब्रिक्स तो पता है सभी लोगों को, है ना, तो ये ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट के क्या थे सर, चीफ। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है ना, तो ये कौन सी कमेटी है सर, केवी कामत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर टारगेट ऑफ इंडिया बाय 2025 एज पर डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, है ना, ये ध्यान रखिएगा, DPEPP 2020, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, DPEPP का क्या है, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। तो रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति DPEPP 2020 के अनुसार 2025 तक भारत का रक्षा विनिर्माण कारोबार लक्ष्य क्या है, तो वो कितना है सर, 1,175,000 करोड़, क्लियर हो गया, 1,75,000 करोड़। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है सभी लोगों को, है ना, कितना है इनका जो टर्नओवर, जो टारगेट है इंडिया का 2025 तक DPEPP के अकॉर्डिंग, वो कितना है, 1,75,000 करोड़, क्लियर। अच्छा अब ये डिफेंस से रिलेटेड बात है, तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्लियर है सभी लोगों को, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, शिवाजी राव पाटिल निलांगेकर हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020 इज़ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट के सीएम थे, तो आंसर याद रखिएगा सर महाराष्ट्र, क्लियर सभी लोगों को, आंसर याद रखिएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं, एज पर द स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर क्लाइमेट चेंज द पोलार बियर्स इन आर्कटिक रीजन विल बिकम एक्सटिंक्ट बाय विच ईयर, प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कृत्रिम क्षेत्र के ध्रुवीय भालू किस वर्ष तक विलुप्त हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा सर 2100 तक। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है सभी लोगों को, क्या इतनी चीज़ें क्लियर है ना, 2100 तक जो आपके ध्रुवीय भालू हैं वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, क्लियर हो गया, एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं,
हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं सर, कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। क्लियर है सभी लोगों को? मनोज सिन्हा। इसके पहले कौन थे, इसके पहले कौन थे? मुर्मू, है ना, मुर्मू जी थे। जो कि अभी कौन बने हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं, कैग बने हैं, मुर्मू जी। क्लियर हो गया? और अब कौन बने हैं यहाँ पर, यहाँ पर उनकी जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के कौन बने हैं? मनोज सिन्हा, है ना। जम्मू कश्मीर जो है वो अपना क्या बन गया है भैया, क्लियर, यूटी बन गया है ना, जब से 370 आर्टिकल हटाया है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट किसान रेल वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा सर कि मिनिस्टर्स के नाम, रेलवे मिनिस्टर कौन? पीयूष गोयल। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। रिसेंटली द फर्स्ट किसान रेल रन फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से किस स्टेट तक चली? तो वो है सर बिहार। क्लियर है सभी लोगों को? महाराष्ट्र से। भारत के पहले किसान रेल को हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाई थी। पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य में चली थी? तो बिहार होगा इसका आंसर। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम द कोस्टल विलेज विच इज़ आर फर्स्ट इन इंडियन ओशियन रीजन टर्म्ड एज सुनामी रेडी बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनेस्को। तो ये यूनेस्को का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि यूनेस्को द्वारा सुनामी के लिए तैयार कहे जाने वाले हिंद महासागर क्षेत्र में तटीय गांव का नाम प्रथम है। तो वो कौन कौन से गांव हैं? तो वो है सर एक वेंकटरायपुर और नोलियासाही। क्लियर? ये दोनों ही जो गांव हैं ये कहाँ पर हैं? ये दोनों ही गांव उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा। क्लियर हो गया? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, उड़ीसा से रिलेटेड, अब उड़ीसा से रिलेटेड भी चीज़ें जान लो क्या, कि उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं, है ना। नवीन पटनायक जी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है नवीन पटनायक जी। अगर मैं आपसे गवर्नर का पूछूं तो गवर्नर कौन है? तो वो है कौन? गणेशी लाल, है ना। गणेशी लाल कौन है? गवर्नर है यहाँ के, ठीक है। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल जी, कैपिटल है भुवनेश्वर। आगे चलते हैं। एज पर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाएगा सर? तो ये है 29 सितंबर। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका यहाँ से करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, अब यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है? ठीक है, तो वो कौन है? नितिन गडकरी जी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी। इंडिया एम्स टू अचीव जीरो रोड फैटेलिटीज़ बाय विच ईयर, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर हासिल करना है? तो कब तक है सर? 2030 तक। कब तक है? 2030 तक। 2030 तक शून्य सड़क मृत्यु दर हासिल करना रहेगा। ये किसने कहा है? नितिन गडकरी जी ने, है ना। ये इनका क्या है? टारगेट है। ये इनका क्या है? एम है। क्लियर? 2030 तक शून्य सड़क मृत्यु दर होना। चलो आगे बढ़ते हैं। दी RBI हैज मैंडेटेड दी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज विथ द लार्जेस्ट एसेट साइज विल हैव टू फॉर्म अ ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कमिटी GRMC बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप अंडर चेयरमैन ऑफ होम। तो RBI ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों को सबसे बड़ी संपत्ति के आकार के साथ एक समूह जोखिम प्रबंधन समिति, जो कि क्या है? GRMC का गठन करने के लिए बाध्य किया है, जिसकी अध्यक्षता में कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तो कौन है उसके जो हेड हैं, है ना, जो चेयरमैन है वो कौन है? तपन राय जी। कौन है? तपन राय। क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक है, चलो
आगे चलते हैं. विच स्टेट रैंक टॉप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल मिशन, ध्यान रखिएगा, अटल मिशन ऑफ रेजुवेनेशन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमृत अमृत स्कीम, सभी लोगों ने सुनी होगी. क्लियर? एज पर रैंकिंग रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. तो भैया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के अमृत योजना के लिए अटल मिशन के कार्यान्वयन में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का शीर्ष स्थान, इसको प्रथम स्थान लिख लो, है ना, प्रथम स्थान है ना, तो वो है कौन सा सर, उड़ीसा. कौन सा है वो, उड़ीसा. अगर फर्स्ट पूछेगा आपसे तो उड़ीसा, ठीक, सेकंड पूछेगा तो क्या, चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़, जो कि हमारे यूनियन टेरिटरी है, और थर्ड अगर पूछेगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड तेलंगाना. क्लियर है क्या सभी लोगों को, है ना, तेलंगाना. क्लियर, चलो आगे चलते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजेनियस पीपल और वर्ल्ड ट्राइबल डे वॉज ऑब्जर्व एनुअली ऑन अगस्त 9. वॉट इज द 2020 थीम फॉर द डे. तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी सर, इसकी जो थीम थी वो थी कोविड-19 एंड इंडिजेनस पीपल रिजिलेंस. क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं. विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज वन अमंग 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच रिसीव्ड फूड सिस्टम विजन 2050 प्राइज फॉर इट्स ईट राइट इंडिया मूवमेंट. कौन सा भारतीय संगठन 10 वैश्विक संगठनों में से एक है जिसने अपने ईट राइट इंडिया आंदोलन के लिए फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है. तो वो कौन सा है सर, वो है आपका FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI. ये जो FSSAI है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, कोई बताएगा, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. क्लियर? तो ये जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि FSSAI जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है सर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिस्टर कौन है ना, मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह. क्लियर, मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन. क्लियर हो गया, डॉक्टर हर्षवर्धन, हाँ चलो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह मिनिस्टर हैं किसके, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के. क्लियर हो गया. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो FSSAI का जो गठन है वो कब हुआ था, कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा सर 2011 में एग्जाम में पूछा जा सकता है. एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ FSSAI क्या रहेगा सर आंसर, 2011. क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, क्लियर. तो कौन सा भारतीय संगठन 10 वैश्विक संगठनों में से एक है जिसने अपने राइट राइट इंडिया आंदोलन के लिए फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है. तो कौन सा है सर, FSSAI, जो कि फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2011 में और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, हेल्थ एंड वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इसके मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह. क्या इतनी चीज़ें क्लियर है, ठीक है, चलो. तो आज के लिए अपन लोग इतने रखते हैं, है ना. सेकंड पार्ट में आज अपन ने कितने 15 से 20 क्वेश्चन आज अपन लोगों ने करे हैं, है ना, 15 से 20 क्वेश्चन आज अपन लोगों ने करे हैं, 15 क्वेश्चन करे हैं ना, क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने कितने 10 करे थे, इस बार अपन ने 15 करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्लास में भी अपन ऐसे ही, पार्ट थर्ड में भी अपन ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, और 4 या 5 दिन में अपन अगस्त का पूरा कंप्लीट कर लेंगे. फिर अपन जून जुलाई और सितंबर साथ में लेके चलेंगे, तीनों के तीन तीन वीडियो आएंगे. क्लियर? मतलब एक दिन में तीन वीडियो बनेंगे, जून का, जुलाई का और सितंबर का. क्लियर हो गया, ठीक है, चलो. तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, है ना,
क्लास को शेयर करिएगा, और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क पूछा है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को शेयर करना ज़रूरी है। देखो अगर आपका सपोर्ट अगर अच्छा रहेगा, है ना, अगर आपको क्लासेस अगर पसंद आ रही होगी तो भैया क्लासेस को लाइक करना और चैनल को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास में बच्चे जुड़ें। तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट अगर अपनी क्लास में अगर आएंगे तो फिर अपन लोग फिर से दोबारा अपन लाइव डेली क्लासेस, है ना, अपन डेली लाइव क्लासेस अपनी चालू कर देंगे मैथ्स रीजनिंग और करेंट अफेयर की, ठीक है, और फिर बीच बीच में जीके की भी अपन स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया सभी लोगों को? मतलब जीके की भी अपन बीच बीच में क्लास करेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? तो चलो इस वीडियो में इतना ही, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।